मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 3 मज़ेदार शरबत, जिसको आप पी के यकीनन तरोताज़ा हो जाएंगे। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी और इसको पूरी देखिएगा एंड तक। तो चले फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल में फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं और एक बड़े ग्लास में मैंने दूध ले लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैंने अभी यहाँ एक जार लिया है, जार के अंदर मैं ये सारी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर दूध डालूंगी। मैं इसके अंदर 3 से 4 चम्मच चीनी के डाल दूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी चीनी डाल सकते हैं। अब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। खून साफ करने में बहुत ज्यादा ये मदद करता है, यह बहुत ज्यादा इसके फायदे हैं। तो आप ये जूस जरूर बनाइएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। अब मैं इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल दूंगी। अब तो ये तैयार हो चुका है, अब मैं इसको ग्लासेस में निकाल लूंगी। तो ये देखें दोस्तों, अब हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तैयार हो चुका है। उम्मीद करूंगी कि आपको मेरी ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की रेसिपी भी अच्छी लगेगी। तो चलें अब बना लेते हैं हिप्पो की शिकंजी, जो गर्मी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो इसके लिए मैंने एक बाउल के अंदर 7 से 8 नींबू को अच्छी तरह उनका रस निकाल लूंगी। अब मैं इसके अंदर एक बड़ा सा ग्लास पानी का डाल दूंगी, लेमन जूस डाल दूंगी, थोड़े से पत्ते पुदीने के डालूंगी। आधा चम्मच इसके अंदर काला नमक जाएगा, आधा चम्मच इसके अंदर नमक जाएगा और इसके अंदर 3 चम्मच चीनी के जाएंगे। तो अब हमारी नींबू की शिकंजी भी तैयार हो गई है। तो अब हम इसको ग्लास में डाल देंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये जूसेस की रेसिपी किस तरह लगी है। इसको अच्छे से हम डेकोरेट करके अब मज़े मज़े से पी लेंगे। हमारी नींबू की शिकंजी तैयार हो चुकी है। अब हम आएंगे अपने 3rd जूस पे। तो अब हम इसमें बनाएंगे वाटरमेलन का जूस। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली है, वाटरमेलन की स्लाइसेस कटे हुए ले लिए हैं और मैं इनको एक जार में डाल दूंगी। 3-4 पुदीने के पत्ते लूंगी, 2 टेबल स्पून इसके अंदर लेमन जूस जाएगा, आधा चम्मच इसके अंदर काला नमक जाएगा, 1 से 2 चम्मच इसके अंदर चीनी जाएगी। अगर वो वाटरमेलन मीठा नहीं है तो आप इसके अंदर 4 चम्मच भी डाल सकते हैं और आधा चम्मच इसके अंदर बिल्कुल 1 पिंच इसके अंदर नमक जाएगा। अब हमने इसको निकाल लिया है तो इसके अंदर बीज रह जाएंगे जूस के अंदर, तो हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। तभी वो छान चुका है तो अब इसके अंदर हम ग्लास के अंदर क्यूब्स डालेंगे और इसको भी हम ग्लास में डाल देंगे। तो वाटरमेलन का जूस भी बन चुका है। आज की ये 3 जूसेस की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी तरह के वीडियोस मैं आपको और दूंगी।
तो आज के लिए इतना ही।